हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू कंजंक्शंस चलिए कंजंक्शन को सबसे पहले समझते हैं कि कंजंक्शन है क्या ये एक्चुअल में ठीक है आपके यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉरेटिव कंजंक्शन जो इसके काइंड्स है सबसे पहले लेट मी क्लियर द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन तो कंजंक्शन को समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो ज्वाइन जो करते हैं वर्ड्स को फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन चलिए एक एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं ठीक है आपको यहाँ पे कंजंक्शन फिल करने हैं जैसे आप देखिए सेंटेंसेज दो है वाइल है एज अनटिल आंटिल सो एज और एज बट ठीक है ये सभी जो हैं सेंटेंस को वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं तो जितने भी ये फिलअप्स करे हुए हैं हमने ये आपके क्या हैं कंजंक्शन है, है। चलिए अपनी बुक पर आते हैं बैक इसके बाद यहाँ पे गिवन है देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन दो तरह के कंजंक्शन होते हैं एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक होता है कोरिलेटिव रिलेटिव कंजंक्शन तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं इट्स ज्वाइन अ सिंगल वर्ड्स ये सिंगल वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं बट दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स लेकिन हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे जैसे कि वर्ड को वर्ड के साथ फ्रेज को फ्रेज के साथ और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंस के सेंटेंस को ठीक है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जैसे अगर मैं बोलूं फैन बॉयज़ मतलब कि फैन बॉयज़ का मतलब क्या हुआ एफ फॉर फैन फैन बॉय मतलब कि एफ़ फॉर फोर ए स्टैंड फॉर एंड एंड स्टैंड फॉर नोर बी स्टैंड फॉर बट ओ स्टैंड फॉर और वाई स्टैंड फॉर येट एंड एस स्टैंड फॉर सो तो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जहाँ पर भी हम इन वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसे है आपके? है, हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस हैं क्लियर चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं अकोमा इज यूज अलोंग विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज अगर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं तो हम उसको ज्वाइन करने के लिए कोमा अप्लाई करते हैं ठीक है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अकोमा इज नेवर प्लेस्ड आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेकिन यानी कि कोमा हम कभी भी प्लेस नहीं करेंगे किसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन के बाद मतलब कि टू इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन करने के लिए हम कोमा यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके बाद हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे ये आपको मैं फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है आपकी एक्सरसाइज में उससे क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा काइंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन वो क्या होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज़ यूज़ टूगैदर कोरिलेटिव कन्जक्शन वो होते हैं जो हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं हमेशा साथ चलते हैं जैसे जैसे आपके जीवन है यहाँ पर कोरिलेटिव कंजक्शन बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉट और वेदर और ठीक है तो ये एक ही सेंटेंस में हम बोथ एंड यूज़ करेंगे एक ही सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है ये पेयर है और ये हमेशा एक सेंटेंस में साथ यूज़ होते हैं चलिए एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज के साथ और अच्छे से क्लियर करते हैं अपने पॉइंट्स को सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग co कंजक्शन का ठीक है हियर वी वॉन्टेड टू गो आउट टू प्ले हम यहाँ पे क्या है ये आपका बाहर जाना चाहते हैं प्ले के लिए बट इट वॉज रेनिंग क्या हो रही थी रेनिंग हो रही थी तो बट आपका क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन मतलब कि आपको फैन बॉयज़ यूज़ करना है फ़ैन बॉय का एग्जांपल मैंने किया था ना एफ फॉर फोर ए फॉर एंड एन फॉर नोर बी फॉर बट ओ फॉर ये और वाई फोर येट और एस फॉर सो तो उसी को माइंड में रखते हुए हम ये सभी अपना कोरिट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फिल करेंगे ठीक है वी मस्ट ऑल अटेंड दिस पार्टी फॉर ही इज़ अ जॉली गुड फेलो थर्ड में आपका बट भी लिख सकते हैं येट भी लिख सकते हैं ठीक है फोर्थ में आपका सो so आएगा एस ओ सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फिफ्थ में आपका नोर आएगा एन ओ आर सिक्स में एंड होगा क्योंकि और की बात कर रहे हैं ही इज़ गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग ठीक है एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उसको क्या कि, किस में अच्छा है वो सिंगिंग में भी और डांसिंग में भी ठीक है सेवन्थ में आपका ओ आर और होगा एट में अगेन ओ आर ओर और नाइन्थ में बट होगा टेंथ में भी बट होगा ठीक है चलिए अब इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बारी है यहाँ पर भी आपको फिल करना है यू हैव टू मेक वन सेंटेंस यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप करके उसको ही सेम मीनिंग को ही उसी के बारे में बताया गया है तो आपको क्या करना है ये जॉइन करना है बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक है चलिए हॉर्सेज एंड आएगा हॉर्सेज एंड जेब्राज गैलॉप फास्ट ठीक है टाइगर ईट ओनली दोज एनिमल्स दैट दे किल उसके बाद कोमा बट ठीक है बट हाइनस ईट द एनिमल किल्ड बाय अदर्स ठीक है चलिए ऐसे ही थर्ड में हम यहाँ नाइट के बाद कोमा लगाएंगे और फोर लगाएंगे फोर दे आर नॉक्टर्नल बर्ड्स ठीक है ऐसे ही फोर्थ में मैमल्स के बाद कोमा एलिफेंट को हटा देंगे और उसके बाद लिखेंगे सो दे डोंट ले एग फिफ्थ में हम एनिमल्स के बाद कोमा येट भी लगा लगा सकते हैं और बट दे आर वेरी जेंटल ठीक है वेल्स को अप्लाई नहीं करेंगे अगेन यहाँ पर हम सिक्स में हम जू के बाद कोमा अप्लाई करेंगे और येट दे प्रेफर टू बी फ्री वाइल्ड एनिमल्स नहीं लिखना हमने कट कर देना है उसको सेवन्थ में हम स्नेक्स के बाद और लगाएंगे और आई डोंट लाइक को कट कर देंगे ठीक है ऐसे ही एट्थ में प्लेप्ट और एंड ऑस्ट्रेज को कट कर देंगे यहाँ से नाइन्थ में मेडिसिन एंड स्वेलो ईट विद वाटर एस आपका यहाँ पे स्मॉल में होगा ठीक है टेंथ में आपका एयर के बाद कोमा है और बट अप्लाई करेंगे यहाँ पर और नथिंग में एंड स्मॉल में आएगा क्लियर जल्दी से फटाफट देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अब बारी आती है कोरिलेटिव कंजंक्शन की एक्सरसाइज की ठीक है कोरिलेटिव कंजंक्शन को रिलेट मतलब कि रिलेट करना एक पेयर का दूसरा पेयर कुछ याद आया येस yes. मतलब कि जो पेयर्स में चलते हैं कंजम्पशन ठीक है जैसे ईदर और और यहाँ पे हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सेकेंड में आपका वेदर और आएगा और थर्ड में आपका ईधर और और हम बोथ एंड भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है फोर्थ में बोथ और एंड आएगा उसके बाद फिफ्थ में नीदर नॉर सिक्स में नॉट ओनली बट ऑल्सो ये ध्यान रखिए को रिलेटिव कंजंक्शन है सेवन्थ में बोथ एंड एट में वेदर और नाइन्थ में नीदर न आएगा ठीक है चलिए अब एक पैरा गिवन है यहाँ पे और उस पैरे में आपको क्या कंजंक्शन फिल करने हैं ठीक है थीके? तो इस पैरे में हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे आपका एंड मास्टर एंड फ्लैड ठीक है केव एंड डिसाइड डिसाइडेड एम टी बट ठीक है अगेन यहाँ पर बट आएगा और बट से पहले हम कोमा लगाते हैं सो so है सो ही टर्न बैक एंड उसके बाद एंड वेंट अप टू हेम और लाइन येट ठीक है चलिए सेम पैरों को कम्प्लीट करते हैं यहाँ पे सो so है उसके बाद विच वॉज नॉट ओनली वुलन बट ऑल्सो ब्लीडिंग ठीक है स्वेलन सॉरी नॉट ओनली स्वेलन बट ऑल्सो ब्लीडिंग नेक्स्ट है इसके बाद आपका यहाँ पे ही कूड नीदर और फ्रॉम देयर नोर यहाँ पर आपका एंड फाउंड आएगा और ही नॉट ओनली थॉर्न बट आल्सो टू राइज एंड केव के बाद कोमा एंड ठीक है आफ्टर वर्ड्स बोथ और यहाँ पर एंड हु ईदर और यहाँ पर और ठीक है चलिए नेक्स्ट पैरा में ऐसे ही सेम करेंगे हम उसी को अप्लाई करेंगे द एम्प्रर एंड बाउंडिंग एंड बट एज एंड लिग्ड वेदर टू लाइन आर और दैट ही नॉट ओनली बट ऑल्सो फ्रीड हिम एंड चलिए ऑफी हेयर वी हैव कम्प्लीटेड तो ये भी हम कर चुके हैं बस आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए सारे ये फिलअप्स हैं करने है, जैसे फैन बॉयज़ का और कॉल रिलेटिव में पियर्स का यूज करना है ठीक है सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ डोंट फॉर गेट डू लाइक शेय एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बै टू ऑल